देखिए आज हम आपको लॉन्ग कोटी बताएंगे, जो आज गर्मी का सीजन है तो जो गर्ल्स सूट के ऊपर टॉप के ऊपर पहन लेती हैं, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया 5 मीटर। तो देखिए इसमें काफ़ी अर्ज है, अगर आप ज़्यादा घेर वाली बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बताना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने ऊपर से इसे काट कर एक सा कर लिया कपड़े को। अब यहाँ से हमने 14 इंच पर एक निशान लगा लिया और आधा इंच मार्जिन के लिए 14.5 पर निशान लगाया है इस तरह से, और यहाँ से भी हम बराबर से 14.5 पर एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब इस निशान से हम कपड़े को अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 7.5 इंच पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम इस तरह से, और 7.5 ही हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। ये हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया है और ये आर्म होल के लिए। देखिए इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ पर अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो हमारी 40 है तो हम 10 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। हमने एक 10 पर निशान लगा लिया, अब अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी है हमारी 36 है तो हम 9 पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। ठीक है, और ये हमने मार्जिन के लिए निशान लगा लिया 1.5 इंच। जो भी आपके जैसा भी कपड़ा हो उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ से हम गुलाई आर्म होल की 1.5 इंच पर लगाएंगे। देखिए 3.5 इंच पर हम गले के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। पीछे के नेक के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसे गुलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए। तो अभी हमें इसे कट कर लेना है, जो निशान लगे हुए हैं उसी के अनुसार कट करके हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने ये कट कर लिया, अब इसमें से हम एक पल्ले को निकाल देते हैं इस तरह से, अब दूसरे को फिर से बिछा लेते हैं। अब यहाँ से इस तरह से हम इसे रखेंगे बी शेप में। और निशान लगाएंगे गले के पास से ये टॉप पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम इसे हटा देते हैं, अब हम नीचे फ्रिल कट करेंगे। तो देखिए अब हम फ्रिल का नाप बताते हैं, आप 3 लगाना चाहते हैं, 4 लगाना चाहते हैं, आप उसी तरीके से अपनी कम ज़्यादा करके निकाल सकते हैं। हम इसमें 3 लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी पूरी फुल लंबाई 50 इंच है हमारी। ठीक है, अब 50 में 14 इंच के ऊपर का पार्ट अपर पार्ट हो गया, और 36 इंच की हम फ्रिल लगाएंगे। तो हम एक फ्रिल की लंबाई 12 इंच रखेंगे, और आधा इंच ऊपर के लिए फोल्ड करने के लिए, आधा इंच नीचे फोल्ड करने के लिए हम 13 इंच की हम 3 फ्रिल निकालेंगे। तो हमारे ये अब जो बचा कपड़ा है उसमें से हम फोल्ड की फ्रिल कट कर लेंगे। देखिए इसकी काफ़ी लंबाई है, तो इसी में से हम उसके हिसाब से फ्रिल कट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये फोल्ड है हमारा, कई फोल्ड हैं इसके, 8 फोल्ड हैं। ठीक, तो हम बराबर से करके इसे फ्रिल कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम निशान लगा करके बराबर से कट कर लेंगे।
ठीक हो गए। इसी तरीके से हम सारी फ्यूरल कट कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह से हमारी पूरी कटिंग हो गई। तो ये मैंने तीनों फ्रिल कट कर ली है, ये टॉप पार्ट कट कर लिया। अब इसे क्या करना है, आप इसे महीन सा बहुत महीन में फोल्ड कर देना, ऊपर भी और नीचे भी। आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या दोनों को पकड़ के बराबर से टच कर दें, या फिर जो हम गैदर्स बनाएंगे बड़े टांके से तो हम इसके ऊपर से लगाएंगे। और इसके लिए हमने लेस ली है। चलो स्टिचिंग करते हैं, फिर बताते हैं किस तरह से हम इसको सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हम, आप इसे बिल्कुल महीन करके फोल्ड भी कर सकते हैं, और इस तरह से हम इस पर पीको कर लेंगे। तो सारे जो फ्रिल है उसे सारे फोल्ड कर लेंगे, और जो हम गैदर्स बनाएंगे उसके लिए बड़ा 5 नंबर का टांका करके और एकदम सीधी सिलाई डालना, बीच में रोकना नहीं है, एक ही सिलाई डालेंगे, फिर हम धागा से इसकी गैदर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें आगे टॉप पार्ट रेडी करना है। तो क्या करना है हमें, देखिए शोल्डर के ऊपर शोल्डर मिलाते हुए रख करके एक स्टिच डाल देनी है, और इसी तरह से इधर का भी रखें और इस पे भी हम एक स्टिच डाल देंगे। तो ये फिर बाद में हम ज़रा सा फोल्ड करेंगे अंदर के लिए, क्योंकि इस पर हम लेस अटैच करेंगे। तो ये यहाँ से स्टिच डाल लेते हैं और फिर हम फ्रिल जोड़ना बताएंगे। तो देखिए ये ऊपर टॉप पार्ट बन गया, और ये हमने इसकी बाएं भी लगा दी हैं आस्तीन। और अब क्या करना है हमें, इस तरह से हमें इसे बिछा के रखना है, ठीक है, अब बराबर से। और देखिए ये जो हम फ्रिल वाला पार्ट लगाएंगे, तो इस तरह से हमने जो 5 नंबर पर सिलाई करके और हमने इसे धागा को इस तरह से एक धागा पकड़ के और खींचा। अब यहाँ से रखते हुए आगे से इस तरह से, अब चाहे आप दो तरीके से लगा सकते हैं, इस तरह से भी इसे सिल सकते हैं। और बराबर से गैदर बराबर करना, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाथ से इसे सेट करते जाना। तो देखिए आप फोल्ड कर लें, या देखिए हमने इस पर पीको कर ली है। अब इसे हम इस तरह से लगाएंगे, देखिए इसको रखेंगे यहाँ से और आधा इंच ऊपर रखते हुए, देखिए आधा इंच नीचे कपड़ा दबाना और आधा इंच इसे रखते हुए, और बराबर से इसे एक हाथ से सही करते हुए, चाहे तो आप पिन लगा लें, और जो हमारी ये फ्रिल जो बनी हुई है ये बराबर बराबर करते हुए और एक सीधी सिलाई पूरे पर हमें डाल लेनी है। अब देख लेना है कि हमने इसी के बराबर, इसी तरीके से हम सारी जो दो फ्रिल और रह गई हैं उनमें भी हम इसी तरीके से, अब जो ये फ्रिल है इसकी डबल में, इसकी डबल में कपड़ा जो लिया हमने, तो हम इससे नीचे लगाएंगे। इस तरह से हम रखते हुए सिलाई डालेंगे। चलो डालना शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं हम आपको। तो ये देखिए मैंने ऊपर इसे आधा इंच नीचे दबा छोड़ते हुए दोनों को हमने इस तरह से, इसको हमने इसके ऊपर रखा है, तो ये जो हमारी फ्रिल है ऊपर के लिए इस तरह से आएगी। अब इसमें हमने पिनअप कर लिया, और इसी तरीके से आप कर लें तो पहले एक ही बार में बराबर चुन्नट आते हुए पूरे में लग जाएगी। अब इसी तरीके से हम इसमें भी हम गैदर बनाएंगे, और देखिए यहाँ पर इसमें लगाएंगे, ठीक। तो आपको इसी तरीके से तीनों में गैदर बना करके और इसके ऊपर रखते हुए, देखिए ये भी हमने इसमें नीचे भी फोल्ड कर दिया, आप भी इसी तरीके से फोल्ड कर दें और फिर आधा इंच ऊपर के लिए निकालते हुए इस तरह से हम इस पर लगाएंगे। और इसके लिए देखिए हमने ये लेस ली है, जो कि हम पूरे में आगे से घुमाते हुए नेक तक हम लगाएंगे इसमें। तो ये बताइए आप, मैं तो ये ब्लैक वाली लगाऊंगी, अगर आपको जो भी अच्छी लगे कमेंट में आप बताएं कि हम कौन सी लगाएं। तो चलिए हम लगाना बताते हैं। इसमें इस तरह से उंगली से हमें फिट करना है, और जो भी कम ज़्यादा है इस तरह से करते हुए, और नीचे वाले कपड़े पर भी आधा इंच दबाते हुए, और जो हमारी सिलाई लगी हुई उसी पर आप सिलाई करना। देखिए कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम पिन से अटैच कर चुके हैं,
और बराबर से इसी तरीके से हम तीनों इसमें अटैच कर लेंगे, फिर दिखाते हैं। ये देखिए एक तरफ से फुल इसकी फ्रिल लग चुकी है और एक तरफ से इसे बिल्कुल मामूली सा पलट देना, सिंपली कोई पट्टी नहीं लगानी है, कोई कुछ नहीं लगाना, इस तरह से महीन वाला फोल्ड करना है। तो फिर हमें इसके ऊपर लेस लगानी है। देखिए पूरे कंप्लीट लुक दिखाएंगे, अभी लेस लगाना है तो आपको देखिए फ्रेंड्स ये हमने फोल्ड कर दिया। तो आप इसी तरीके से पतला सा फोल्ड कर दें पूरे पर, हमने यहाँ से लेकर पूरे में राउंड से घुमा दिया। अब इस पर हम लेस लगाएंगे, सिंगली कोई पट्टी नहीं लगानी है और इसमें बहुत सारा घेर आया है। अभी इसे हम लेस लगाकर फिर हम दिखाएंगे आपको फुल लुक इसका क्या कैसी लग रही है। और देखिए ये वाइट वाली है, ये कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं यही वाली लेस लगाएंगे। तो चलिए लगाना बताते हैं, फुल घुमाते हुए नेक से लेकर और इस साइड पर यहाँ तक हमें लगानी है। आप चाहें तो इस जो हमने फ्रिल लगाई है इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, पर हम इस पर नहीं लगाएंगे। देखिए किसी भी साइड से एक तरफ से आपको रख लेनी है और इस तरह से बराबर रखते हुए और पूरे में लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से और डबल सिलाई इस पर डाल देनी है। इतनी फिनिशिंग के साथ और बहुत सारा घेर आया है, आप जब पहनेंगे इसी तरीके से बनाएंगे तो एक ही बार में बढ़िया आपकी कोटी बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कोटी बन करके रेडी हो गई और इसकी देखिए फुल स्लीव्स लगाई है और यहाँ पर हमने चोली में ये डोरी भी लगाई है। और देखिए हमने ये लेस लगा करके इसमें बहुत सारा घेर है और ये देखिए पूरे में हमने यहाँ से लेकर और नीचे तक हमने ये लेस का प्रयोग किया है इसमें। और देखिए फ्रिल काफ़ी अच्छी लग रही है, ऊपर से हमने इसकी गैदर जो डाली थी तो ऊपर से रख कर के हमने लगाई है। अगर आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं तो दोनों अंदर के लिए दबा करके लगा सकते हैं। तो देखिए हमारी पूरी सरक बन करके तैयार हो गई। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं।